नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एग्जाम्स तैयारी पर। तो दोस्तों, आप सभी दोस्तों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि दोस्तों SSC GD 2024 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें, जिससे कि इस वीडियो की संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, बात करते हैं SSC GD 2024 के एडमिट कार्ड या स्टेटस जारी कर दिया गया है। वैसे तो दोस्तों YouTube पर काफ़ी वीडियो आ चुके हैं कि कैसे स्टेटस डाउनलोड करना है, कैसे स्टेटस चेक करना, लेकिन दोस्तों वो इस वीडियो में मैं सबसे आसान तरीका आपको बताने वाला हूं कि आप मोबाइल से एडमिट कार्ड कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे दोस्तों स्टेटस चेक कर सकते हैं। दोस्तों, एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, आप जल्दी से जल्दी आप चेक कर सकते हैं कि आपकी एग्ज़ाम कब है, किस तारीख को है और कौन सी जगह आपका एग्जाम सेंटर आने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इन 9 रीजन की। दोस्तों, ये यहाँ पे दे रखा है कर्नाटका केरला रीजन, साउथ रीजन, नॉर्थ रीजन, ईस्टर्न रीजन, सेंट्रल रीजन, वेस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, मध्य प्रदेश सब रीजन और नॉर्थ वेस्टर्न सब रीजन। और दोस्तों, इन रीजनों के अंदर कौन कौन से राज्य आते हैं, सब अपना अपना राज्य चेक कर लीजिए। दोस्तों, इस चार्ट के माध्यम से अपना अपना राज्य देख सकते हैं कि कौन से रीजन में आ रहा है, या दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो अब चलते हैं गूगल पर और गूगल पर सर्च करना है SSC। दोस्तों, SSC सर्च करने के बाद में ऐसा इंटरफेस ओपन होगा और दोस्तों आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पर क्लिक करना है। और दोस्तों, क्लिक करने के बाद में ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है 3 डॉट, तो 3 डॉट पर जाना है और नीचे स्क्रॉल करके देखना है। और दोस्तों, डेस्कटॉप साइड पर जाना है, जिससे कि जो कंप्यूटर पर ओपन होता है वैसे का वैसा आपके सामने ओपन हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है होम, नोटिस, अप्लाई, एडमिट कार्ड, आंसर की, रिजल्ट। तो दोस्तों, आपको एडमिट कार्ड देखना है। दोस्तों, यहाँ पे एडमिट कार्ड पे क्लिक करना है। दोस्तों, क्लिक करने के बाद में ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों, आप यहाँ से देख सकते हैं ईस्टर्न रीजन, कर्नाटका केरला रीजन, साउथ रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, मध्य प्रदेश रीजन, सेंट्रल रीजन, ये है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन और एक है नॉर्थ रीजन। इसीलिए मैंने आपको पहले दिखाया है कि आपका राज्य कौन से रीजन में आता है, उसके हिसाब से आप ये चेक कर सकते हैं। दोस्तों, कर्नाटका केरल रीजन के डाल दिए गए। तो इसका चेक करके मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको स्टेटस चेक करना है, कैसे आपको एग्जाम सिटी का मालूम करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है ई एडमिट कार्ड, यहाँ से चेक कर सकते हैं, इस लिंक पर क्लिक करना है। और दोस्तों, क्लिक करने के बाद में आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपके रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ डालनी है, फिर इसको चेकबॉक्स को फिलअप करना है, उसके बाद में डाउनलोड एडमिट कार्ड पे आपको क्लिक करना है। और उसके बाद में दिया गया है नाम से चेक करने के लिए लिंक दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ से आप अपने नाम डालकर भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले डालना है खुद का नाम है, उसके बाद में पिताजी का नाम है, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ डाल, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में सर्च करना है और सर्च करने के बाद में आपका नाम सर्चिंग में आ जाएगा। और दोस्तों, यहाँ से आप अपने अपने रीजन का भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, चेक करते हैं वेस्टर्न रीजन का। वेस्टर्न रीजन पर क्लिक करने के बाद तो दोस्तों ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों, आप यहां पे देख सकते हैं अभी तक वेस्टर्न रीजन का लिंक नहीं डाला गया है। जब तक लिंक नहीं डाला जाएगा तब तक आप यहां से चेक नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये जानकारी थी SSC GD के एडमिट कार्ड या स्टेटस चेक करने के लिए A to Z संपूर्ण इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, ऐसी नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस जरूर करें, जिससे कि जो भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।